तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी अ लॉट, और हिंदुस्तान के बारे में डेमोक्रेसी और जो कोर्ट्स हैं उनका रोल इसमें। जी मैं आपको सुनूंगा। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। मैं थोड़ा सा एक शुरू करूंगा कि हालांकि एथेंस को बोला जाता है कि डेमोक्रेसी सबसे पहले वहां पे आई, इनफैक्ट डेमोक्रेसी वर्ड की अगर इटिमोलॉजी देखें तो डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पावर, तो कॉन्सेप्ट वहां पे आया था। लेकिन 6 BC में इंडिया में भी वैशाली वगैरह जो महाजनपद थे, षोडश महाजनपद का अगर हम उल्लेख करेंगे तो वैशाली उसमें था, मगध था, काशी था, उज्जैनी था, ये सब था। तो वैशाली में भी डेमोक्रेसी का जो है वहां पे कॉन्सेप्ट अवेलेबल है हमें रिटेन में। सबसे पहले मैं देशवासियों को आज बधाई देना चाहूंगा। आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया रेटिफाई आज ही के दिन हुआ था, संविधान दिवस हम सब लोग मना रहे हैं, और 26 जनवरी को ये इन इफेक्ट आया था, इंप्लीमेंट हुआ था ऑफिशियल वे में। डॉक्टर साहब देखिए, मानव सभ्यता का अगर हम उद्भव देखेंगे तो पॉपुलेशंस को बेहतर सुविधाएं देने के लिए और हर एक आदमी को और आदमी से भी बढ़ के हर एक जीव को जो अधिकार मिलने चाहिए उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत थी। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेट करने का और फैसिलिटेट करने का जो है सिस्टम कई हो सकते हैं, जिसके लिए एक लीडरशिप स्टाइल चाहिए। अब लीडरशिप स्टाइल में आपने भी पहले बताया ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल हो सकती है, ब्यूरोक्रेटिक हो सकती है, और भी लीडरशिप स्टाइल है। तो टाइम टाइम पे ये पर्टिकुलर एक देश में एक कालखंड में लोगों ने, वहां के इंटेलेक्चुअल ने सेलेक्ट किया कि हम किस तरीके का सिस्टम अपने देश के लिए, एक भूभाग के लिए अपनाएंगे, ताकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं और जो प्रजा है उनको बेहतर तरीके से सर्व किया जा सके। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारे जो है कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अपनाया, कुछ बहुत सक्सेसफुल रही, कुछ फेल्योर भी रही। सबसे लाइव एग्जांपल बहुत दूर जाने का नहीं है, पाकिस्तान ने भी इसी चीज को जो है अपनाया उन्होंने, लेकिन बीच बीच में वहां पे आप देखिए कू वगैरह होते रहते हैं तो वो डैमेज होता रहता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या जो है। या अभी भी ये बोला जाता है कि सरकार तो वहां डेमोक्रेटिक है दिखाने के लिए, लेकिन इनफैक्ट वो गवर्न होती है मिलिट्री रूल से। मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपको बात करना चाहूंगा। लगभग कई 100 सालों तक जो है हम लोग गुलाम रहे, जहां पे हम अपने बारे में सोच नहीं पाते थे कि हमारा रूल हमारे द्वारा ही किया जाए, हम अपने प्रॉब्लम को, अपने चैलेंजेस को समझते हैं और उसका सलूशन भी हम निकालें। कोई भी लीडरशिप स्टाइल, कोई भी जो है सिस्टम हो, वो ये होता है कि जो चैलेंजेस है उसके सलूशंस, चैलेंजेस हमारे हैं तो सलूशंस का भी डिसीजन हम ही लोग करेंगे। आजादी के बाद इस चीज की एक बहुत बड़ी जरूरत थी, लगभग 35-40 करोड़ की जनसंख्या थी और देश बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर के गुजरा था और गुजर रहा था। वहां पे यहाँ के जो भी इंटेलेक्चुअल थे उन लोगों ने सबसे पहले इस चीज को ये महसूस किया कि हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसको कि हम सुप्रीम पावर बोल सके। इंडिया में जो हमारा संविधान है उसको सुप्रीम पावर, सुप्रीम गाइडलाइन माना जाता है, तो उसके लिए ये सारे सिस्टम्स बने वहां पे। आपने बताया कि एक पूरी सभा बनी, उसके बाद पूरा संविधान लिखा गया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो है अगुवाई में, और 26 जनवरी को उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया। सारे लोगों ने जो है वहां पे साइन करके उसको पूरा डिक्लेयर किया गया कि हम अपने पूरे देश को, हमारे देश में जितने भी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन के, हम इसके थ्रू उसको गवर्न करेंगे। कहीं पे डाउट होगा, कहीं पे डिसीजन लेना होगा, कोई आइडियोलॉजी डेवलप करनी है, कोई प्रोग्राम डेवलप करना है, तो बेस लाइन हमारी यही होगी, हमारा सोर्स ये होगा। अब यहाँ पे हम इसको न तो किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको इस तरीके से देखना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि मानव सभ्यता एक समय और एक कालखंड में मानव सभ्यता क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है और किस तरह का सिस्टम वहां पे होना चाहिए। आप इंडिया के इतिहास को देखिए, राजतंत्र था, कभी राजा होते थे, फिर उसके बाद और भी दूसरी चीजें हुई, बादशाहत भी हुई, फिर हम गुलाम भी रहे, अंग्रेजों का भी अपना एक सिस्टम था, फिर अब हम डेमोक्रेसी में है। पर्पज ये है, चाहे इंडिया का डेमोक्रेसी हो, चाहे जो हो, वो रिटेन में हो चाहे बिना रिटेन हो, जैसे आपने बताया यूके का है, पर्पज ये है कि वेलफेयर ऑफ कंट्री और वहां के लोगों का, वहां की जनता का भला होना चाहिए, सबको न्याय मिले, सबको बराबर अधिकार मिले, सबको ग्रोथ करने के अवसर मिले। अब वो रिटेन में हो और चाहे नॉन रिटेन में हो, या चाहे सबसे छोटा हो चाहे सबसे बड़ा हो। अब इसकी थोड़ा सा ओरिजिन देखिए, जिस वक्त ये सारा चीज रिटेन में आया, हमारा संविधान रखा गया, लगभग 2.5 साल के आसपास का टाइम लगा था। मैं समझता हूं कि 40 करोड़ या आज की डेट में 120 करोड़ की जनसंख्या के लिए ये बहुत जल्दबाजी का टाइम था। उसमें मैं किसी को गलत तो नहीं बोलता हूं, लेकिन हाँ, सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी कि हमें जल्दी से जल्दी एक सिस्टम चाहिए ताकि हर एक आदमी को ये पता हो कि हमारी बेस लाइन क्या है, एक गाइडलाइन क्या है, वो वहां पे किया गया।
देखिए सबसे जो है बहुत सारी अच्छी चीजें वहां पे ये दी गई, बहुत सारी चीजों को तोड़ करके कॉमन जो है वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी चीजें जोड़ी गई। एक चीज का अगर देखा जाए, अगर आप यहाँ के संविधान को देखेंगे तो इन्फ्लुएंस्ड बाई डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज, जिसमें आयरलैंड से भी ये, और कौन कौन से सेक्शन है मैं वो भी बता सकता हूँ कि कौन कौन से सेक्शन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, यानी आप ये बोलिए कि उन्हीं को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल है, पोलिसिंग सिस्टम लगभग लगभग अभी तक देखा जाए तो ब्रिटेन के हिसाब से है। ब्रिटेन ने जो पोलिसिंग सिस्टम वगैरह बनाया था वो गुलामों को ट्रीट करने के लिए बनाया था, ना कि कॉमन आदमी की रक्षा के लिए या उनको अधिकार देने के लिए, सुरक्षा के लिए। तो ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएसए, इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो एक सबसे बड़ी चीज, मैं ये नहीं बोलता हूं कि विलफुली ये चीज किया गया, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या अपना देश, इसका नेचर देखिए, इसकी उत्पत्ति देखिए, और जहां पे हजारों साल से एक पैरलर बहुत अच्छा, बहुत डेवलप उम्दा किस्म का रूल करने के सिस्टम्स या गाइडलाइन अवेलेबल रहे हैं और सक्सेसफुली उनको इंप्लीमेंट किया गया हो हजारों हजार साल तक, और उसके रिजल्ट भी रहे हैं। हमारी मेंटेलिटी, हमारा सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है इस फैक्टर को वहां पे बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया। उसके पीछे एक रीजन है कि उस वक्त जो लोग लीडर थे जिन्होंने इन सब चीजों का जिम्मा लिया, इंक्लूडिंग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आप देखिए तो वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनकी पढ़ाई फॉरेन में बहुत हुई थी, और उनका एक स्टेटमेंट है कि अंग्रेजी वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा दहाड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी आप ये देखिए। तो मैं ये बोलता हूं कि बहुत सारे स्कोप थे जो कि हमें हमारे हिसाब से चेंज करने चाहिए थे, या उतना अच्छा एक फाइन ट्यूनिंग हम नहीं कर पाए, और इसी का रिजल्ट है कि आप देखिए हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए। आप देखिए इसराइल आजाद हुआ, चाइना आजाद हुआ, जापान हुआ, और भी बहुत सारे देश थे। लेकिन हम पॉजिटिव वे में कंपैरिजन करें तो डिफरेंट डिफरेंट देशों ने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को अपनाया, उसमें कुछ हमसे बहुत आगे बढ़ गया, जैसे जापान हमसे बहुत आगे बढ़ गया, वहां पे भी सिस्टम लगभग यही है। लेकिन फर्क ये है कि इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि उसको मैनेज करना, उसके लिए एक कॉमन गाइडलाइन बनाना अपने आप में बहुत टिपिकल चीज है। इसीलिए कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी यहाँ होती रही, और बार बार देखिए रिवीजन भी हमारे यहाँ बहुत हुए हैं। अब रिवीजन दो तीन कारण से होते हैं। डेमोक्रेसी का एक दुर्भाग्य है, एक वीक पॉइंट होता है कि जो रूल करेगा उसके हिसाब से डेमोक्रेसी चेंज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन अगर कोई ऑटोक्रेटिक लीडर बैठ गया वहां पे, इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी एक पीरियड के लिए, ये मेरे इस कथन का बेस्ट एग्जाम्पल है कि सिस्टम डेमोक्रेटिक था लेकिन रूल वहां ऑटोक्रेटिक हो गया। तो वहां पे लीडरशिप में और सिस्टम में और पब्लिक में एक कोरिलेशन डेवलप नहीं हो पाता है, तो टर्मोइल जो है शुरू हो जाता है, वहां पे फिर हड़तालें होती हैं, प्रदर्शन होता है। तो मैं ये मानता हूं कि आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, चेंज जो है वो होना चाहिए, और इसीलिए आपने जो ये बोला कि फ्यूचर क्या होगा, ये एक बहुत माइक्रो लेवल पे डायनामिक्स शिफ्ट हो रहा है। आप ये देखिए जब से बना है तब से चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चेंजेस बहुत तेजी से होंगे, और इसको समझना और समझाना, डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।